हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम कोस्ट गार्ड के लिए एक पेपर सेट का रिव्यू करने वाले हैं। वो आपके सामने मैं अनबॉक्सिंग करूंगा। ऑलरेडी मैंने उसको फ्लिपकार्ट से मंगा रखा है। पब्लिकेशन की बात करें तो ये यूथ कॉम्पिटिशन पब्लिकेशन का है, लैंग्वेज हिंदी है और बेसिकली ये जनरल ड्यूटी जीडी के लिए, नाविक जीडी के लिए है। बट हम तो जानते हैं कि डोमेस्टिक ब्रांच और जीडी का सेक्शन वन का जो सिलेबस है सेम है, तो ये आपके डोमेस्टिक ब्रांच के लिए भी हेल्प करेगा और आपके जीडी के लिए भी हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे कि ये सफिशियंट है कि नहीं है, पेपर सेट कैसा है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा था, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर करके मंगाया है। मैं आपके सामने सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ। सामने देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन है, कैसे दे रखा है सोल्यूशन उसका। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये पेपर सेट कैसा है। इसके सामने मैं आपके सामने इसका अनबॉक्सिंग करूंगा और सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि पेपर के क्वेश्चन कैसे हैं। तो चलिए पहले इसको मैं अनरैप कर लेता हूं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सारी चीज़ों को। ऑलरेडी अगर आपको इसको मंगाना होगा तो इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा था, तो मैंने इसलिए मंगाया इसको फ्लिपकार्ट से। अगर आपको मंगाना हो तो आप फ्लिपकार्ट से इसको मंगा सकते हो जाके, ठीक है। हम मैं अभी बता अभी आगे वीडियो में बताता हूँ इनका प्राइस क्या था और क्या क्या चीज़ें थी, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा अभी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि बुक की, चलो ये बुक हो गया। देखो ये बुक आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा होगा कि एक, ठीक है, सॉल्व्ड पेपर प्रैक्टिस बुक यूथ कंपटीशन का है। जैसे मैंने आपको बताया यूथ कंपटीशन टाइम पब्लिकेशन है इसका, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा सॉल्व पेपर एंड प्रैक्टिस बुक, यानी आपके इसमें सोल्यूशन वाले पेपर भी हैं और एक प्रैक्टिस बुक भी दे रखा है। इसमें क्या क्या दे रखा है, आपका अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, सामान्य विज्ञान तर्क शक्ति है, मतलब इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, जनरल साइंस है, जनरल नॉलेज है और रीजनिंग है, ठीक है। इसमें आपका सोल्यूशन भी दे रखा है प्रॉपर वे में, यहाँ पर दे रखा है बेसिकली, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें, और पीछे हम देख लेते हैं इसमें क्या है। बेसिकली इसमें पीछे कुछ दे नहीं रखा है, इसमें दे रखा है कि यूथ कंपटीशन कैसे कैसे बुक्स आते हैं, तो हमें बस इसको देखना, रिव्यू करना है, इसमें देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे कुछ दे रखा है लेखक वगैरह कौन कौन से राइटर है। इस पर देखो इस पर प्राइस दे रखा है 150, ठीक है। ये 150 का ही पड़ा है मुझे, बट 40 रुपये डिलीवरी चार्ज, तो आपकी 190 रुपीज़ की मुझे पड़ी है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देखो कितने आपका प्रैक्टिस सेट 1-1 सब का दे रखा है, एक का प्रैक्टिस सेट रखा है, फिर उसका दे रखा है आपका सोल्यूशन दे रखा है, यहाँ पे सिलेबस दे रखा है कि सिलेबस कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें दे रखी है, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रैक्टिस सेट 1 दे रखा है, प्रैक्टिस सेट 1 में आपके रीजनिंग के क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रखा है, रीजनिंग के क्वेश्चन दे रखे हैं। देन आपके मैथमेटिक्स अर्थमेटिक मैथमेटिक्स का दे रखा होगा, तो अर्थमेटिक मैथमेटिक्स दे रखा है, ठीक है। देखो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो पेपर सेट तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसलिए इसको मैंने मंगाया है। अगर आप देखो इसका सोल्यूशन दे रखा है, सोल्यूशन भी काफ़ी डिटेल में दे रखा है, ठीक है। तो आप देख लो पहले इसको बिजली, ठीक है। काफ़ी अच्छा बुक है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको मंगा लिया हूँ, ठीक है। इंग्लिश भी दे रखा है आपका ऑलरेडी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं दे रखा, इंग्लिश भी आपका दे रखा है, ठीक है। सोल्यूशन भी काफ़ी अच्छे तरीके से दे रखा है, तो आप चाहो तो इसको मंगा सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा बुक है, पेपर सेट है आपके कोस्ट गार्ड के लिए। जैसे आपको पता होगा कोस्ट गार्ड का पेपर ऑनलाइन हो रहा है, मैंने सारी डिटेल बता रखा है उसमें, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को आप प्लीज़ देख लें। अगर आप चाहते हैं इस बुक को खरीदना तो आप फ्लिपकार्ट से जाकर खरीद सकते हैं। यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की पब्लिकेशन की बुक है ये, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा बुक है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 140 की आपको पड़ी है, डिलीवरी चार्ज आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे यहाँ तो 40 रुपये मुझे लगा था, मतलब 190 रुपये मेरे घर पे ये बुक आ गया है ये, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो सकती है, कहीं ना कहीं आपके कोस्ट गार्ड प्रिपरेशन के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, कि कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर होता है कि क्यों कौन से पब्लिकेशन का पेपर सेट ले, क्या वो सही होगा नहीं होगा। तो आप ऑनलाइन इसको ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर